नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति पाल, कंसल्टेंट एंड फिजिशियन एट बी क्लिनिक कानपुर। मैं आप लोगों से अपने एक पेशेंट का केस डिस्कस करना चाहती हूँ, जिनका नाम है भवानी। इनकी समस्या ये थी कि इनके रेक्टम एरिया में सूजन बहुत ज़्यादा रहती थी। जब भी फ्रेश होने के लिए जाते थे, उस दौरान इनके अंदर के मस्से बाहर आ जाते थे और ऑटोमेटिक अंदर चले जाते थे। सेकेंड ग्रेड पाइल से परेशान थे। जब भी फ्रेश होने के लिए जाते थे तो उस दौरान इनको दर्द, जलन, चुभन का एहसास बहुत ज़्यादा रहता था। पेट साफ नहीं हो पाता था। फ्रेश होने के लिए दिन में लगभग 3 से 4 बार जाना पड़ता था। इनके रेक्टम एरिया में इतनी ज़्यादा सूजन थी कि इनको चलने, उठने, बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। इस समस्या से लगभग 4 साल से परेशान थे। ऑनलाइन माध्यम के जरिए इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और दवाइयाँ ली। 1 महीने के इलाज के बाद ये 100% तक ठीक हो गए। आइए सुनते हैं इनका फीडबैक। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं वीक लिनिक में बैठे कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ से आपकी मेडिसिन चल रही थी। वीक मैं वीक लिनिक होम्योपैथिक कानपुर से बात कर रहा हूँ सर। ठीक है सर, बोलो। हेलो, भवानी भवानी सिंह जी से बात हो रही है ना सर? हाँ सर, अभी आप कैसे हैं हमारी मेडिसिन लेने के बाद? ठीक है सर। सर कितने परसेंट का आराम हो गया, कुछ बता पाएंगे? हमारे को पूरा पूरा आराम हो गया। अच्छा, 100% आराम है ना सर? है? पूरी तरीके से आराम मिल गया सर आपको? हाँ सर, क्या आपको प्रॉब्लम हो रही थी दवा लेने से पहले, बता पाएंगे फीडबैक के लिए? मुझे जलन हो रही थी और दवा लेने के बाद वो जलन ठीक हो गया। अच्छा अच्छा सर, अब रेडी है। अच्छा, जैसे सर आपसे हो गए, और लोगों को भी हमारे क्लिनिक के बारे में बताइएगा सर। ओके साहब, ओके। अगर सर कुछ भी प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर में तो दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। हाँ ठीक साहब, ठीक साहब। यदि आपको भी पाइल्स, प्रेशर, फिस्टुला जैसे किसी भी बीमारी संबंधित कोई भी समस्या हो रही है, जैसे कि रेक्टम एरिया में कट का लग जाना जिसकी वजह से दर्द का घंटों तक बना रहना, पेट साफ ना हो पाना, फ्रेश होने के लिए दिन में लगभग 3 से 4 बार जाना, लैटिन के साथ में ब्लड का आना, या फिर आपके रेक्टम एरिया में बॉयस का होना जिससे पस का डिस्चार्ज होना, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे उचित परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।